तक मजदूरों के लिए कोई भी एमपी एमएलए पार्लियामेंट विधानसभा के अंदर लोकसभा के अंदर आवाज नहीं उठाई। आज हमारा मजदूर वर्ग जब इलेक्शन के टाइम आता है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बंटवारा हो जाता है। सभी साथी जानते हैं ये कहने के तो लेबर डिपार्टमेंट है साथियों, ये 100% ये सच्चाई है कि जो अधिकारी यहां रिटायरमेंट होते हैं वो अधिकारी मालिकों की सवाली करते हैं। ये भली बात सबको पता है, ये कहने को लेबर कमिश्नर है लेकिन रिटायरमेंट के बाद ये खुल्ला खुल्ला सवाली करते हैं, अभी छुप के सवाली करते हैं। ये तो जितने साथियों ने आपके बीच में बताया ये पूर्ण रूप से अस्पष्ट है, ये भर डिपार्टमेंट लेबर की हितैषी नहीं है। साथियों जो हम लोग यहाँ अपनी मांगे मांगने के लिए धरने देते हैं, जुलूस निकालते हैं, साथियों ये बातों से मानने वाले नहीं है। ये मानने वाले हैं तो सिर्फ डंडों से मारने वाले हैं। जब डंडे इनके पड़ेंगे, पुरानी कहावत है बातों का भूत लातों का भूत बातों से नहीं मानते, तो साथियों ये वो भूत है। तो आप भली भाजो साथियां आए हैं ये प्रण कर ले कि आपका हितैषी कोई नहीं है, आपका हितैषी कौन है ये आपका डंडा है, ये डंडा आपके साथ है तो बिना कहे वो आपकी बात मानेंगे। सभी साथी जानते हैं आपने वोट दिया, हमने वोट दिया, आम पार्टी की सरकार बनी, आम पार्टी सरकार से मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से बहुत सारे उम्मीदें थी, ये मजदूर हितैषी है, गरीब हितैषी है, दिल्ली का उपकार होगा, गरीबों का उद्धार होगा, मजदूरों के लिए नया कानून बनेगा। अब मजदूर जो रिक्शे वाले हैं, पटरी वाले हैं, कारखानों में काम करने वाले हैं, इनके सीने बड़े चौड़े हो गए थे। अब तो हमारी सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी सरकार है, हमारी सुनवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सबका जीरो हुआ। ये जो दलाल बैठा रहा इंद्रधर पूर्ण रूप से एडवाइज करता है लेबर मिनिस्टर गोपाल राय जी को, कानून की भाषा ये सिखाता है, रात में चोरी और दिन में पुलिसगिरी दादागिरी वाली कहानी है। एक टाइम था एक एक लेबर डिपार्टमेंट से 6 से 10 इंस्पेक्टर हुआ करते थे, आज ये टाइम है कि लेबर डिपार्टमेंट में एक इंस्पेक्टर या 2 इंस्पेक्टर है या वो भी नहीं है। सरकार नया नया कानून आपके लिए लागू करती है, मजदूरों में लागू करती है, आधार कार्ड लगाओ केसों में, अपनी जन्म कुंडली पूरी दो, लेकिन बालिकों के लिए कानून नहीं बना कि कंपनी गेट पर बोर्ड लगाए, मालिक अपना फोन नंबर लिखे, मालिक अपना नाम लिखे, नंबर लिखे, ऐसा कुछ नहीं है। साथियों आम आदमी पार्टी इस समय ऐसी हो गई है कि वो केवल राजेंद्र धर के ऊपर चल रही है, हर मालिक से पैसा इकट्ठा करके और लेबर डिपार्टमेंट में दिया जा रहा है, मजदूर को तोड़ने की पूरा कोशिश किया जा रहा है। न्यूनतम वेतन
के नाम पर साइन पूरे पे करवा लेते हैं और उनको 7,000, 8,000, 9,000 ताकि दिखाने के लिए कि उनको पूरा न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। अगर वो कोई मजदूर अपनी शिकायत लिखाता है तो पहले सबसे पहले निगाह में आ जाता है और उसको निकाल कर बाहर कर देते हैं। इसलिए साथियों से आप लोग देखो कि हमको साइन कहाँ कराया जा रहा है। अगर काम पे जाए तो आप अपनी एकता बनाते हो, अगर एकता आपकी बनती है तभी आपको कोई कागज दिया जाता है, नहीं तो कुछ नहीं दिया जाता है। आप गए, आपको भर्ती करने के पहले आप पहले रिजाइन पर साइन कराया जाता है, पहले आप नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए तो पहले कहते हैं रिजाइन पर साइन करो, सादे कागज पर साइन करो, वाउचर पे साइन करो, ताकि कल आप बनमासी करो तो उसमें लिख दो 50,000 रुपए एडवांस लिया है। उनसे जगह जगह इकट्ठा होकर के पूछना होगा कि तुम हमारा काम करने आए हो कि नहीं, नहीं तो वोट नहीं दिया जाए। हो सकता है कि उस समय भी कुछ हमको दो दो हाथ करना पड़े। कोई भी सरकार आई है, चाहे केंद्र में आई है या दिल्ली में आई है, कोई नया कानून बना करके मजदूरों के हक में नहीं दिया आज तक। ये जितने कानून है जिसपे हमको दो पैसे का फायदा होता है, ये सब कानून है जो है हमारे ट्रेड यूनियन के साथियों ने अंग्रेजों से लड़ लड़ करके बनवाया था। इंडस्ट्री एरिया में आजकल हो रहा है और ये कंपनी एक है जहाँ मजदूरों का इतना शोषण हो रहा है। लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट कोई कानून कार्रवाई नहीं कर रहा है इतने नम्र रवैया को लेकर और मालिकों के साठ गांठ के कारण जो काम नहीं कर रहे हैं उसके विरोध में हम यहाँ धरना दे रहे हैं। आप लोगों ने धरने के बाद ज्ञापन भी दिया, ज्ञापन में क्या क्या मुद्दा था? ज्ञापन में ये मुद्दे हमारे हैं कि भाई जो कर्मचारी कमजोर बाहर निकाले गए हैं उनको काम पर रखा जाए और जिन कमियों का जहाँ श्रम कानून लागू नहीं है जिन कारखानों के अंदर उन कारखानों के अंदर श्रम कानून लागू कराया जाए, ये लेबर डिपार्टमेंट जिम्मेदारी है। ये हम ज्ञापन देंगे। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई ज्ञापन के बाद भी, फिर अगला पहल आपको क्या होगा? अगर ये आज जो ज्ञापन दिया गया है अगर ये ज्ञापन के अनुसार हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो ये संगठन और संगठन मिल करके लेबर मिनिस्टर का भी अनिश्चितकालीन घेराव करेगी, यहाँ भी घेराव करेगी, हमारा अनिश्चितकाल धरना चलेगा। मजदूरों के अधिकार के लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम लड़ाई आगे जाएंगे। मुद्दा तो ये था कि कई कंपनियों से धंधों का छटनी किया गया, कर्मचारी जो मजदूर काम करते हैं उनका निकाला गया है, उनको काम पे रखवाने के लिए ये धरना प्रदर्शन यहाँ मेन रखा गया कि जहाँ निकाले गए हैं मजदूर उनको जो है वापस काम पे रखा। ये मजदूर कहाँ से निकाले गए और क्यों निकाले गए? ये कीर्ति नगर इंडस्ट्रीज एरिया से निकाले गए हैं, कुछ मायापुरी से निकाले गए हैं, कुछ ओखला क्षेत्र से निकाले गए हैं, ये कई क्षेत्रों से निकाले गए हैं।